सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यहाँ पे हो रही है किसी की तैयारी, आई होप आप सबने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पे बन रहा है बड़ा पाव, जो मेरे शॉर्ट्स में आपने जाके देखा होगा मेरे चैनल पे। और यहाँ पे अचानक से मन कर गया था वड़ा पाव खाने का, क्योंकि पते थे ऑफिस से आए थे तो उन्होंने बोला कुछ बनाओ, तो रैंडमली माइंड में आ गया चलो वड़ा पाव ही बनाते हैं। क्योंकि जो सामान वगैरह थे उसमें मोस्टली सामान ज़्यादा लगता नहीं है, आलू लगता है और पाव लगता है, तो पाव तो तुरंत शॉप से आ गया था, नीचे ही शॉप है। और आलू था तो सबके घर में आराम से मिल जाता है, बेसन मिल जाता है। तो बस फटाफट यहाँ पे बन रहा है वड़ा पाव, और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था और उस हिसाब से मुझे लगा कि अच्छा बन गया था। मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक बना था, खाने लायक बन गया था। बस उसकी जो चटनी होती है वो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि उसकी जो सामग्री है वो घर पर नहीं उस समय थी। तो बाकी ये सब चीज़ जो है वो अच्छा बन गया था वड़ा पाव। सो यहाँ पे वड़ा पाव बन के हो गया है रेडी, और चलो अब देते हैं अपने पति देव को और अपने देवर जी को। दोनों लोगों ने खाया था और दोनों लोगों को अच्छा लगा था। एंड उसके बाद मुझे जाना था हेयर कट करवाने, तो मैं फटाफट वड़ा पाव बना के मैं गई अपने हेयर कट करवाने, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे थे। और प्रेगनेंसी के बाद से 5 मंथ तक तो ठीक था, उसके बाद से 5-6 मंथ की जब अद्विका हुई उसके बाद से मेरे बाल जो है वो नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। तो मैंने सोचा चलो उसको छोटे करवा लेते हैं, क्योंकि बाल के लंबा होना ज़रूरी नहीं है, हेल्दी होना ज़रूरी है बाल का। और थोड़े घने लगते हैं बाल तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बाल मेरे हो रहे हैं, भले तो शैम्पू किया उन्होंने, क्योंकि मैंने हेयर वॉश एक दिन पहले किया था, तो तुरंत तो उन्होंने बोला तुरंत पहले हेयर वॉश करेंगे उसके बाद ही आपका कटिंग होगा। तो यहाँ पे हेयर वॉश करके हेयर ड्राई हो रहा है, ड्रायर के बाद उन्होंने बाल कट किए थे। और शैम्पू करने के बाद से ही मुझे लगता है कि जो कटिंग है वो अच्छी होती है। इस वजह से आप आजकल किसी भी सैलून में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि आपने हेयर वॉश कब किया था। और अगर आप हेयर वॉश उस दिन का नहीं किए होते हैं तो वो पहले आपका हेयर वॉश करते हैं, उसका अलग से चार्ज भी लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मेरी हेयर कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे ये मेरे बाल को सेट कर रहे हैं, क्योंकि कटिंग करने के बाद, बाल सेट करने के बाद ही लुक समझ में आता है कि आपका लुक कैसा लग रहा है। तो फाइनली मेरा लुक कुछ ऐसा लग रहा है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने कटिंग से, क्योंकि मुझे लेंथ इतनी ही रखनी थी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कटिंग, और मैंने उनके वो थैंक यू भी बोला भैया को। सो उसके बाद ही नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे अद्विका के पापा एंड चाचा दोनों ऑफिस से आए थे, एंड आतू अपने पापा के पास जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि वो अपने चाचू के पास नहीं जा रही थी, उनसे भाग रही थी। और जब उसके पापा ने उठाया तुरंत उनकी गोद में आ गई थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आफ्टर 1 ईयर जा रहे हैं हम सब मूवी देखने, और शैतान मूवी देखने जा रहे हैं हम सब, क्योंकि अजय देवगन की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। और जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2 महीने 2.5 महीने पहले ही, तभी मैंने सोचा था कि ये मूवी देखने मैं जरूर जाऊंगी। और जब ये रिलीज़ हुई थी तो मैं घर पे थी उस टाइम, तो मैंने सोचा जब दिल्ली जाऊंगी तो ये मूवी जरूर देखूंगी। तो अभी हम लोग जाएंगे 8:30 बजे के आसपास, खाना वगैरह खा के ही जाएंगे, थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेंगे, बाहर लेना होगा। तो यहाँ पे तो आपका वेट हम सब मस्ती कर रहे हैं और खाना बन रहा है, आलू पराठा बन रहा है, तो खा के अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पापा कहाँ हैं? गंदी बात मम्मी नहीं डालते, मम्मी नहीं डालते। आ दो पापा, गाड़ी चलाने जा दो। कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन है, आर्मी बिहार मेट्रो स्टेशन पर जाना है।
बाबू मिलो, घूमी घूमी आया है। हम लोग पहुंच गए हैं इडियम मॉल और हमारी मूवी है 9:05 पे। उसके बाद का भी पता नहीं आएगा भी नहीं, यहाँ पे तो बंद हो जाता है फिर। तो वैसे हमारे साथ बहुत बड़ा ऊँचा हो गया है। जो टिकट मैंने काटा था वो कल का था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मूवी हो गई स्टार्ट और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैंने जो टिकट था वो बुक माई शो से बुक किया था और जो मैंने टिकट बुक किया था वो एक दिन बाद का बुक कर दिया था। गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने बोला कि ये टिकट तो आपका एक दिन कल का है, तो फिर हम लोग अपनी जो टिकट बुक की थी वो कैंसिल कराई और हमने अपना फिर से टिकट नया बुक किया उसी टाइम और फिर हम गए मूवी देखने। सो गाइस हम लोग मूवी देख के जा रहे हैं वापस और टाइम हो रहा है आई थिंक 12 बज रहे हैं और मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे। जो पूरी मूवी है वो एक फादर एंड डॉटर के रिश्ते पे ही पूरी आधारित है और अभी पूछते हैं अद्विका के पापा से कि उनको कैसी लगी मूवी। सो मूवी कैसी लगी आपको, अपने रिव्यू दीजिए। बहुत अच्छी मूवी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि उसमें डॉटर और फादर की स्टोरी थी, इसलिए बहुत सारे फैक्ट। जैकी बाबू आप कैसे लगी मूवी? अच्छा था। बाबू कैसा लगा आदमी का पहला मूवी? पहला मूवी था आदू का, अब बिल्कुल डरी नहीं है लड़की, इतना भूत वाला मूवी था डरी नहीं बिल्कुल। सो यहाँ पे हमें चल रही है गोलगप्पे पार्टी, गोलगप्पे प्लस मोमोज पार्टी, दोनों पार्टी। एंड काफ़ी दिन से खाने का मन कर रहा था तो पतिदेव से मैंने बोला कि आप ऑफिस से आते वक्त ले आइएगा, तो यहाँ पे मोमोज मैंने खा लिया ऑलरेडी, मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई थी। और यहाँ पे मैं बना के रखी थी मैंगो शेक। तो जो मोमोज और गोलगप्पे मिलने के बाद मैंने अपना फ्रिज में रख दिया कि मैं बाद में पीऊँगी, पहले मैं ये खा लूँ। एंड शाम को मैं गई कुछ शॉपिंग करने, यानी कि सब्जियों की शॉपिंग करने, घर के पास ही हमारे मार्केट लगता है।
तो मैं उसी बहाने में थोड़ा टहल भी लेती हूँ, मेरा वॉक भी हो जाता है, वरना मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, क्योंकि दोनों लोग तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं अद्विका के साथ पूरे दिन बोर हो जाती हूँ घर में ही, तो उसी बहाने मैं थोड़ा वॉक करने चली जाती हूँ। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, और अगर वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लस मेरे पास एक बेबी भी है तो उसे भी संभालना, वीडियो बनाना फिर उसे एडिट करना, तो बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।